सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऊपर ऑल फोटोज पे क्लिक करके सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो ये आपको चेयर वाला बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर आपको स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको एड फोटो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। आपको अपना PNG इमेज को ऐड करना है, PNG इमेज को खींच के बड़ा करना है, अपने हिसाब से इस पर एडजस्ट कर लेना है। इस तरह सेट करने के बाद फिर से आपको इधर एड फोटो के ऑप्शन पर आना है। यहाँ देख सकते हैं एड फोटो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से बाघ वाला इमेज को ऐड करना है। बाघ वाला इमेज को ऐड करने के बाद बाघ को खींच के बड़ा करना है और अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा करके इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पर राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब इधर फिर से आपको स्लाइड करना है, फिर से यहाँ पर एड फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। आपको डॉलर वाला इमेज को ऐड करना है और इस तरह से इसको खींच के छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से इसको सेट कर लें। सेट करने के बाद यहाँ पे राइट के निशान है, यहाँ से ओके कर लें। ओके करने के बाद फिर से आपको इधर स्लाइड करना है, फिर से यहाँ पे एड फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और आपको जो लाइटिंग वाला इमेज है इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद इसको खींच के बड़ा करना है और इसको अब ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाना है और इसका यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद लाइट को खींच के अपने हिसाब से इसको कहीं भी अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद ऊपर से ओके कर देना है। अब इसमें नीचे शैडो देना है। शैडो देने के लिए यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स पे क्लिक करना है, एडजस्ट पे जाना है। इसका ब्राइटनेस को आपको लो कर देना है, यानी नीचे कर देना है। ब्राइटनेस को लो करने के बाद इधर देख सकते हैं इरेज का ऑप्शन है, इरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें लास्ट में इन्वर्ट का ऑप्शन है, इन्वर्ट कर देना है। सेकेंड में रीस्टोर है, रीस्टोर पे क्लिक करके हार्डनेस ओपेसिटी साइज को आपको इस तरह से कम कर लेना है। उसके फोटो जूम करना है और जहाँ भी आपको शैडो देना है, जैसे बाघ के पैर के नीचे शैडो देना है तो इस तरह से आप उंगली से शैडो दे लें। उसके बाद आप अपने चेयर के पास भी इस तरह शैडो दे लें। शैडो देने के बाद यहाँ पे देखें राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे राइट का निशान है, ओके करना है। अगर और भी शैडो लगाना है तो इधर फिर से स्लाइड करना है, फिर से एड फोटो पे आना है। यहाँ से आपको शैडो वाला इमेज को ऐड करना है और इसको खींच के आपको बड़ा करना है और आपको नीचे की तरफ इस तरह से अगर शैडो देना चाहते हैं तो शैडो दे दें। शैडो देने के बाद यहाँ राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। अब फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए इधर स्लाइड करना है और सेव करने का तरीका सेम है, ड्रॉ वाले ऑप्शन पे आना है, फिर से ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में देखें थ्री डॉट का निशान है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ से सेव इमेज कर देना है। अब इसका लाइटिंग एडजस्ट करना है, इसके लिए स्नैपशीट एप्लीकेशन ओपन करना है, प्लस का आइकॉन पे क्लिक करना है, जो पिक्सआर्ट में अभी फोटो सेव किया था उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको पॉप फिल्टर अप्लाई करना है, इससे क्या होगा आपका फोटो HDR में आ जाएगा, HDR में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके करना है। ऊपर पेंसिल का आइकॉन पे क्लिक करना है, फर्स्ट में ट्यून इमेज पे क्लिक करके इसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना है। किस तरह से एडजस्ट होता है मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड जाके देख के सीख सकते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पे सेव का बटन है, यहाँ से सेव कर देना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया, पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो थोड़ा सा वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, देख क्या रहे सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल या फिर फोटो ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक बाय, गुड नाइट, जय हिंद।